हेलो गाइस, मैं सिया जाफरी इमाम और इट्स बीन अ वाइल, आई हैव नॉट मेड अ वीडियो ऑन हेल्थ एंगजाइटी। सो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट हेल्थ एंगजाइटी, और अगर आप को भी प्रॉब्लम है और अगर या फिर आपके जानने वालों में से किसी को हेल्थ एंगजाइटी है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। आई मीन वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज़ मैंने करीबन 8-9 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी अबाउट हेल्थ एंगजाइटी, उसमें काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं और अभी भी मुझे मैसेजेस आते रहते हैं। सो रिसेंटली मुझे लोगों ने बोला कि आप प्लीज़ दोबारा से एक वीडियो बनाओ कि आपने कैसे ओवरकम किया और फिर हाउ थिंग्स आर गोइंग। सो आई हैव कम विद अ वीडियो एंड इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली आई विल टॉक अबाउट दोस 8 मंथ्स, क्योंकि मुझे 10 महीने या 9 महीने पहले पहला सिम्टम मतलब हेल्थ एंगजाइटी का एक जो एक्सट्रीम लेवल वाला एक स्टेज होता है वो मैंने फेस किया था, और उसके बाद फिर मैंने 8 महीने पहले आज से एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे अबाउट माई सिम्टम्स, और आज आपको अपना अपडेट भी दूंगा और उसके साथ साथ आई विल टॉक अबाउट के अगर आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं तो आप इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं 3 हैक्स बताऊंगा के और कुछ सवाल भी हैं जो मुझे मैं उसका आंसर करूंगा, और 3 हैक्स बताऊंगा कि किस तरह से आप हेल्थ एंगजाइटी को बिल्कुल नलीफाई कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। सो इस वी स्टार्ट विद माई एक्सपीरियंस। आप जानते हैं बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो देखी है इससे पहले भी, आई हैड इमेंस अमाउंट ऑफ फियर ऑफ कैंसर एंड इट रियली वेंट अलॉन्ग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और इट स्टार्टेड विद कोलन कैंसर एंड देन यू नो थिंग्स केप्ट ऑन कमिंग, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने मेरा फियर ऑफ इलनेस यू नो शिफ्ट होता रहा फ्रॉम कोलन कैंसर टू यू नो हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज एंड सो ऑन। सो हेल्थ एंगजाइटी बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ ओसीडी मेरा, वेरियस यू नो जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में सोचते हैं एंड एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आप कोई ये बात यकीन हो जाती है हो जाता है कि आप यू आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दिस डिज़ीज़, देन आप बिल्कुल शहर में चले जाते हैं। सो अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा का यू नो कॉन्शियस है, मतलब बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, इट कुड बी साइंस ऑफ हेल्थ एंगजाइटी। बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने फिजिकल सिम्टम्स भी महसूस किया हुआ है। सो हेल्थ एंगजाइटी बेसिकली कम्स फ्रॉम ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इज़ द रूट कॉज ऑफ हेल्थ एंगजाइटी, और एक क्योंकि ये ओसीडी है सो इतनी आसानी से हम आप इसको अपने से दूर नहीं कर सकते। इन माई केस मैंने स्टार्ट किया था जब मुझे पता चला कि मुझे हेल्थ एंगजाइटी है, तब मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया और उन्होंने कहा कि आपका 1.5 साल तक ट्रीटमेंट चलेगा। दैट रियली डिड नॉट मेक एनी सेंस टू मी, तो मैंने फिर साइकेट्रिस्ट को के अलावा और ऑप्शंस देखे, तो मैंने टॉक थेरेपिस्ट के बारे में सुना और फिर मैंने 2-3 थेरेपीज ली और इट रियली हेल्प मी। अगर आपने इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है हेल्थ एंगजाइटी का, तो गो फॉर समवन हु कैन टॉक। मेडिसिन इज़ ऑल राइट बट आई डोंट थिंक मेडिसिन इज़ अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इट इज़ हेयर एंड यू नीड टू रीवायर योर ब्रेन। बेसिकली हम कहते हैं आपको अपने ब्रेन को रीवायर करना पड़ता है ओसीडी में या फिर इस तरह के एंगजाइटी डिसऑर्डर में। सो मुझे लोग पूछते भी हैं क्या मैं साइकेट्रिस्ट पर जाऊँ, आई थिंक साइकेट्रिस्ट इज़ नॉट द सोल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्वियसली वो आपको ऐसी मेडिसिन देंगे जो आपके यू नो नसों को शांत कर देगा और यू नो इट विल मेक यू फील गुड, यू नो सम हारमोन्स विल कम आउट यू नो, बट द थिंग इज़ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना है चाहिए तो यू हैव टू फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट हु कैन टॉक थ्रू। हम सीबीटी थेरेपी भी ले सकते हैं इसके लिए, हालांकि इंडिया में सीबीटी थेरेपी बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन टॉक थेरेपी वुड बी इनफ। और जब थेरेपिस्ट आपसे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे लिसन टू योर कंसर्न्स एंड इट हेल्प्स लाइक हेल्थ। सो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको लगता है कि हेल्थ एंगजाइटी बहुत बढ़ रहा है, गो फॉर अ टॉक थेरेपी सेशन बिकॉज इट विल हेल्प यू। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं,
ये लोग प्रॉपरली आपको टॉक थेरेपी दे सकते हैं। साइकेट्रिस्ट इसलिए नहीं देते बिकॉज वो ज़्यादातर मेडिसिन के बारे में कंसर्न होते हैं। सो बेसिकली वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन पे रखेंगे। दैट टू मी दैट डिडंट वर्क। सो टॉक थेरेपी इज़ योर ऑप्शन। उसके अलावा जो मैंने किया था, मैंने सिर्फ 3 सेशन ही लिए थे टॉक थेरेपी। हालांकि मुझे कम से कम 8 से 10 थेरेपी लेने थे, मैंने बीच में रोक दिया था। व्हाट हैपेंड इज़ के आई फाउंड 3 हैक्स टू काइंड ऑफ गेट माई सेल्फ आउट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, यू नो। द फर्स्ट हैक वॉज टू कीप माई सेल्फ बिजी। जब जब एंग्जाइटी होता है, यू नो, आप क्या करते हो, आप चीज़ों से अपना ध्यान हटा देते हो। जो आप काम करते हो ना, योर वर्क, योर स्कूलिंग, योर कॉलेजिंग, यू नो, ऑल दोज थिंग्स, यू पुट ऑल दोज थिंग्स असाइड। आपको लगता है कि आप, मेरा जो एंग्जाइटी है ये सबसे बड़ा इशू है, इससे आपको पहले काउंटर करना है। सो यू हैव टू, यू नो, गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। अगर आपने ये डायग्नोस करवा लिया कि आपको हेल्थ एंग्जाइटी है, स्टॉप विजिटिंग डॉक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डॉक्टर्स के पास जाना बंद करना है एंड स्टार्ट, यू नो, वर्किंग। अगर आप पढ़ाई करते हो, स्टार्ट, यू नो, स्टडिंग एक्स्ट्रा आवर। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर कंपनी, यू नो, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, यू नो, कीप योर सेल्फ बिजी। अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं, इज सो मेनी चांसेस दैट यू काइंड ऑफ फॉरगेट द काइंड ऑफ सिम्टम्स यू हैड अबाउट हेल्थ एंग्जाइटी। तो फर्स्ट इज़ टू बेसिकली कीप योर सेल्फ बिजी। सेकेंड हैक इज़, अगर आप मेडिटेट नहीं करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट मेडिटेटिंग। मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट कि आप कहीं बैठ जाते हो और आपको कुछ, यू नो, कुछ खबर नहीं होती दुनिया की। ऐसा नहीं होता, यू नो। मेडिटेशन बेसिकली एक प्रैक्टिस होता है। इट्स अ प्रैक्टिस कि आपको लर्न करना है कि अपने माइंड को कैसे फोकस करना है एक जगह पे। और ये 1-2 दिन में नहीं आता है। आई मीन, आप विल हैव टू, यू नो, कीप डूइंग दैट एवरी सिंगल डे ऑफ द मंथ। एंड प्रॉब्ली आफ्टर सम 3-4 मंथ्स यू विल काइंड ऑफ गेट टू दैट स्टेज जहाँ आपको लगेगा कि यार हाँ, नाउ आई कैन काइंड ऑफ रिलैक्स अलॉट ईजियर। सो मेडिटेशन इज़ द नंबर 2 हैक विच इज़ एब्सोल्युटली, यू नो, मैजिकल फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट। मेडिटेशन के लिए आप 10 मिनट किसी भी जगह पर बैठ जाओ शांत होकर, एंड इट विल रियली हेल्प यू। यू नीड नॉट, यू नो, डू थिंग्स व्हाट अ मॉन्क डू। बिकॉज मॉन्क्स, यू नो, बेसिकली मॉन्क क्या करते हैं, वो बहुत साल तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देन दे कम टू द स्टेज वेयर मेडिटेशन करना बहुत आसान होता है। सो आपको पहले आदत बनानी पड़ेगी मेडिटेशन के लिए कि यू हैव टू फिक्स 10 मिनट्स ऑफ योर डे एवरी सिंगल डे, यू नो, और यू हैव टू कंटिन्यू दैट। गिव योर सेल्फ अ चैलेंज टू डू दैट एवरी डे इन अ मंथ। अगर आपने 30-day चैलेंज कर लिया तो देन प्रोसीड। बिकॉज वॉट हैपन्स इज, मेडिटेशन शुरुआत में कोई डिफरेंस मेक नहीं करेगा, यू हैव टू वेट। और अगर आपने मेडिटेशन लगभग 3 से 4 वीक लगातार कर लिया, यू नो, मार्क माई वर्ड्स, यू विल गेट आउट ऑफ ऑल दोज एंग्जाइटी एंड वरीज। सो नंबर 2 हैक इज मेडिटेशन। एंड नंबर 3 हैक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वट आई डिड वॉज टू मीट मोर पीपल। आई मीन, यू कैन टेक इट कि आप, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते ना हो, यू नो, आप इंट्रोवर्ट हो, बट इन अ लॉन्ग टर्म दैट विल रियली हर्ट यू। बिकॉज यू आर बॉर्न टू बी सिविलाइज, यू आर बॉर्न टू बी सोशलाइज। सो अगर आपने ख़ुद को आइसोलेशन में डाल लिया, प्लीज़ प्लीज़ कीप योर सेल्फ आउट ऑफ दैट। मीट मोर पीपल, यू कैन ट्रैवल फॉर दैट सेक। मैंने भी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी एंड इट रियली हेल्प मी। सो फर्स्ट इज़ टू, यू नो, कीप योर सेल्फ बिजी। आप काम स्टार्ट करो, जो भी आप काम करते हो या पढ़ाई करते हो। मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट भी स्टार्ट किया था, उसके बाद से मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म बनाए हैं एंड, यू नो, मैंने कुछ न्यूज़ बुलेटिन भी बनाए थे उस टाइम पे। आई स्टार्ट वर्किंग। दूसरा का मैंने किया था कि मैंने बुक स्टार्ट किया था लिखना। मेरी बुक कम्प्लीट हो चुकी है अभी। बहुत जल्दी मेरी बुक आ रही है अबाउट माई हेल्थ एंग्जाइटी और OCD। तो वो बुक जब आती है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो वर्क हार्ड, आई मीन कीप योर सेल्फ बिजी। सेकेंड इज़ टू मेडिटेट एवरी सिंगल डे। थर्ड इज़ टू मीट मोर पीपल। आई मीन, अगर आप खुद को आइसोलेशन में रखेंगे दैन इट विल बी रियली
a big issue. Talk to people you really think that they can help you. Make more friends, you know, take it easy, you know. मैं बहुत ज़्यादा sensitive था about friends and people. That really didn't help me. So be a little more acceptable, you know, people do make mistakes. So meet more people, meditate, and of course keep yourself busy. Other things that can really help you is physical exercise, you know, good diet, constant chatting to yourself, you know, just when you talk to yourself, it really helps. So this thing can really help. Yeah, physical exercise is one of those things that you should really try, because I felt that when I started jogging, it really helped me a lot, you know. It helped me understand my body a lot well. It improved my self-esteem, self-confidence. So aap jitna ho sake khud ko physically active rakhiye, chahe aap game kheliye ya phir aap walk kijiye ya jog kijiye ya even run kijiye, but do that consistently. You know, you need to consistently do that for like a month or at least 4 weeks, right? So physical exercise kijiye, meditate kijiye, logon se miliye, aur of course khud ko busy rakhiye. Now come back to the questions I've got. I have few questions here. First, you know, logon ne mujhe YouTube pe ya phir Instagram pe pucha tha ki unke system jo symptoms unko dekhne ko milte, kya wo real hain, kya wo, you know, because of health anxiety hai. So mera ek simple sa question ye hai ki mera simple sa answer ye hai ki आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये जो सिम्टम आपको महसूस हो रहा है, ये फिज़िकल सिम्टम है या फिर ये एक एंगजाइटी का ही एक आफ्टरमैथ है. आई थिंक अगर आपने 3 बार से ज़्यादा किसी बड़ी बीमारी का आपको शक है और आपने टेस्ट करवा लिया है और 3 बार आपका टेस्ट नॉर्मल आया, तो अगर आप 4th टाइम भी आपको किसी और बीमारी का शक होने वाला है, तो देन मार्क माई वर्ड्स, दैट इज़ हेल्थ एंगजाइटी. अगर यू नो इन माई केस मैंने कम से कम 7-8 बार टेस्ट करवाया था अलग अलग बीमारियों के लिए. Don't do that. You know, if 3 बार आपको ऐसा लगा कि मुझे कोई बीमारी है और आपने टेस्ट करवाया और टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल निकला या फिर हल्की बल्की चीज़ें निकली, तो 4th बार डो नॉट गो टू द डॉक्टर, गो टू अ यू नो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट. ये मेरा ओपिनियन है आपके लिए. सो चेस्ट पेन क्या एंगजाइटी की वजह से होता है? येस इट डज. आई मीन चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम होता है एंगजाइटी का या OCD या फिर डिप्रेशन का भी. सो अगर आपको चेस्ट पेन है और आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, इट मींस के एंगजाइटी का इफेक्ट आपके अंदर थोड़ा बढ़ गया है, बिकॉज सेवियर होने से ही चेस्ट पेन बढ़ता है. गैस प्रॉब्लम्स एंड स्टमक इशूज़, येस हाँ, बस 3-4 लोगों ने मुझे ये बात पूछी है कि क्या गैस प्रॉब्लम एंड स्टमक इशूज़ आर द रीज़न ऑफ हेल्थ एंगजाइटी. येस, because of health anxiety your stomach tend to do not work the way it should, right? To mere khayal mein, I mean stomach issues mere ko bahut lambe time tak tha. I mean it come kind of 6 se 7 saal mujhe stomach issue hua aur multiple issues the mujhe stomach mein, jo ki physically kuch bhi kharab nahi tha, matlab टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल ही आते थे ज़्यादातर, बट आई हैड IBS और IBS इज़ अ सिम्टम जो कि आप एंगजाइटी की वजह से आपके अंदर आता है. तो गैस प्रॉब्लम, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, यू नो बैड स्टमक एवरी नाउ एंड देन, ये सब एंगजाइटी का सिम्टम है. एंड प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको स्टमक इशू हो रहा है और आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो नो दैट कि ये एंगजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है. बिकॉज इन एंगजाइटी पीरियड वी सेग्रीगेट मोर स्ट्रेस हार्मोन देन वी नीड ऑब्वियसली. तो स्ट्रेस हार्मोन ऑब्वियसली गो समवेयर एंड इट डज नॉट गुड द वर्ल्ड ऑफ गुड टू अस. सो स्ट्रेस हार्मोन आपके लिए अच्छा नहीं है. इन द केस आपका स्टमक भी यू नो इट कैन मेक यू ट्रबल्ड. प्लस आपका जो आप जो सोचते हो सबकॉन्शियस माइंड में, वो आपके गट में जाता है. यू नो जो 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 स्टमक सिस्टम इज क्वाइट कनेक्टेड विद योर ब्रेन. सो अगर आप वहाँ पर यू नो इन द ब्रेन एरिया इज समथिंग इज नॉट गोइंग गुड, इफ़ समथिंग इज़ नॉट फाइन, देन चांसेज आर के इट विल कम एज एन इफेक्ट ऑफ दैट टू योर स्टमक. सो
हार्ट पल्स, यस हार्ट पल्स इज़ वेरी कॉमन, हार्ट पैल्पिटेशन होता है बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ. मैं काफ़ी रातों को उठ उठ जाता था, एंड उठने के बाद मुझे लगता था कि मेरा हार्ट इट विल जस्ट कम आउट ऑफ द स्किन, और मुझे लगता था यार कि अब इतना ज़्यादा ज़ोर से पैल्पिटेशन होती थी, मुझे लगता था यार समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. पैनिक अटैक में ये बहुत होता है. इसके अलावा भी हार्ट पल्स बढ़ जाना इज़ अ साइन ऑफ एंगजाइटी एंड स्ट्रेस. सो इफ इफ दैट इज़ द केस एंड यू आर वेरी यंग, चांसेस आर के दिस इज़ द सिम्टम ऑफ एंगजाइटी, बिकॉज इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आप 20-25 साल की उम्र में आपको कोई हार्ट इशू होगा. सो फॉर दैट केस आई हैव एक्चुअली डन ई सी जी एट ऑल्सो, मैंने ई सी जी भी करवाया था और मेरा सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी हार्ट पैल्पिटेशन कम नहीं हुआ. देन आई थिंक आई न्यू कि यार ये एंगजाइटी का ये एक सिम्टम है. बट ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीथ क्लेंचिंग. ओके या इट हैपन्स, अगर आप एंगजाइटी में हैं तो हो सकता है आपको टीथ क्लेंचिंग होगी, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद योर ब्रेन, और आप जब बहुत डर जाते हो तो आपको टीथ क्लेंचिंग की पीरियड्स होते हैं. तो मेक श्योर यू आर विजिटिंग योर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट रेगुलरली. द लास्ट क्वेश्चन इज़ कमर में दर्द. ओके या बैक पेन इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स दैट आई पर्सनली फेल्ट काइंड ऑफ, मतलब तो 3 साल लगातार मुझे बैक पेन का बहुत प्रॉब्लम था. एंड सिंस आई हैव नोन अबाउट माई एंगजाइटी डिसऑर्डर, और जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, एंड दोज चैंटिंग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जब मेरा एंगजाइटी कम हुआ देन आई थिंक मेरा बैक पेन जस्ट डिसअपियर्ड. मुझे नहीं याद है मुझे लास्ट टाइम कब बैक पेन हुआ था, बिकॉज उससे पहले रेगुलरली मुझे बैक पेन में बहुत परेशान किया हुआ था. बैक पेन की वजह से मैं बहुत धीरे चलता था, मैं दौड़ नहीं पाता था. बैक पेन एंड स्टमक इशूज़ बहुत बस कॉन्स्टेंट इन ऑल दोज ईयर्स, बट जब मैंने अपना खुद से डायग्नोज किया, इलाज किया, इट रियली हेल्प मी. सो बैक पेन जस्ट डिसअपियर्ड. सो ये कुछ साइन थे जो कि सिम्टम्स होते हैं एंगजाइटी और स्ट्रेस के एपिसोड में. आई होप कि ये सारी चीज़ों ने आपको हेल्प किया होगा. सो आई मीन वी टेंड टू थिंक टू मच, एंड दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एंगजाइटी डिसऑर्डर. सो कीप योर सेल्फ बिजी, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कीजिए. इट इज़ नॉट वॉट एक्चुअली फिजिकल, इट्स क्वाइट मेंटल. एंड ऐसा बहुत बार होता है जब हम सोचते हैं कि हमारे किसी बॉडी पार्ट में दर्द है या दर्द होने वाला है, एंड आफ्टर सम टाइम वी फील द पेन. सो माइंड काइंड ऑफ मैनिपुलेट थिंग्स, योर ब्रेन इज़ वेरी पावरफुल, योर माइंड इज़ वेरी पावरफुल. सो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट जो सबसे बड़ा एडवाइस होगा आपके लिए वो ये कि प्लीज़ सीक हेल्प. अगर आप हेल्प नहीं लोगे इट विल रियली गो टू द वेरी लॉन्ग वे, एंड इट विल नॉट बी गुड फॉर यू फॉर द लॉन्ग टर्म, बिकॉज एंगजाइटी एंड स्ट्रेस कैन रियली वर्सन योर इम्यून सिस्टम, योर स्टमक इशूज कैन जस्ट प्रोलॉन्ग फॉर मोर पीरियड ऑफ टाइम. सो डू दैट नाउ. अगर आपके शहर में कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है तो यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन एक्सपर्ट, कैन टॉक टू मी. आई मीन पीपल हु हैव सफर्ड विद दिस थिंग्स कैन रियली हेल्प यू. मैं हूँ या फिर कोई और लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं इन चीज़ों पर, उनकी आप हेल्प सीक कीजिए. आस्क देम व्हाट दे डिड दैट हेल्प देम. सो हेल्प मांगी, गो फॉर द हेल्प, आस्क फॉर द हेल्प, इट विल रियली हेल्प यू. सो आई होप के हेल्थ एंग्जाइटी का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. और माय अपडेट इज़ के आई एम डूइंग ग्रेट, आई मीन आई एम एब्सोल्युटली डूइंग ग्रेट. यस थाट्स आते हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि थाट्स नहीं आते हैं. इट्स लाइक हेल्थ एंग्जाइटी के थाट्स अभी भी आते हैं, ट्रस्ट मी. एंड इट्स लाइक अगर आप उसके जाले फंस गए तो यू विल काइंड ऑफ गो टू दैट सेम टनल ऑल ओवर अगेन. सो इट्स नॉट कि आपने एक बार ओवरकम कर लिया तो ज़िंदगी भर आप बिल्कुल फ्री हैं. ओसीडी में ये नहीं होता, ओसीडी में थाट्स की थाट्स आते ही रहते हैं. सॉरी, तो ये थाट्स भी आपको आएंगे. आपको थॉट्स को कैसे नलीफाई करना है, कैसे अवॉइड करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, ये आपने सीखना है मेडिटेशन करके या फिर और जो मैंने बातें बताई. सो आई होप यू गाइज विल रियली डू दैट एंड इट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज
my life is fantastic beyond after what happened to me, several panic attacks and all those things. I've understood my mind a lot better than before. It really helped me to see things more clearly in life. So I'm very thankful to all my anxiety disorders, because uski wajah se mujhe bahut kuch samajh aaya apne mind ke bare mein, how it works, and all those things. Meditation maine start kiya, and I'm doing that regularly. It really helped me. So yeah, these things are important. Aur iske aage agar koi question ho, please aap mujhe puch sakte ho. Maine apna contact details aapke is video ki description mein de diya hai. And bahut jaldi meri book aane wali hai on health anxiety. So I hope you guys are looking forward to that as well. So yeah, thank you so much for watching, and keep fighting. I mean, it's very easy to do that, because once you understand that problem is in here, not in your body, you'll kind of go through that very easily. You'll succeed. So thank you so much for watching the video. And agar aap koi aapke aas pass kisi ko health anxiety hai, so please share this video, and I hope it will help you guys. Cheers, and keep fighting, guys.